வணக்கம், நான் ஹைதர் அலி சையத், ஆசிர்வாதம் சே, யுனைடெட் அண்டர் தமிழ் சேவா. ஹலோ, நான் முகமது பாய், அஸ்ஸலாம் வலைக்கும். அஸ்ஸலாம், கேசே ஆப். மை ஃபீக்கு. क्या टॉपिक लगाया आज? ये इब्राहिमिक फेथ जो है ना, ये जो जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी, ये जो रिलीजन है, इसको बनी इसराइल किताबें कौन सी थी? मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम किसके नबी हैं? बनी इसराइल के नबी है. और ईसा अलैहिस्सलाम की किताबें ये गोरे लोग के हाथ में कैसे पहुंची? क्योंकि वो काबिल की औलाद है. और कुछ गोरे मिलकर के मूसा को लेकर के एक जुडाइज्म रिलीजन चालू की है, और कुछ गोरे लोग मिलकर के क्रिश्चियन रिलीजन चालू की है. समझ में आ रहा है? लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम किसके नबी हैं? बनी इसराइल के नबी है ना. शाम के बनी इसराइल के नबी है, शाम के इलाके के. ठीक है, तो ये जो ये लोग एक्चुअली जब अपना, और यूरोप तो बिल्कुल बाबेरिक था क्योंकि काबिल के औलाद के पास कोई नॉलेज नहीं था. तो जो ये लोग ने अपनी किताबें उनको दे करके, और आज जो जैसे कि अल्लाह ने काबिल को क्या कहा था कि वो जिंदगी भर भटकते रहेगा, कभी सुकून से नहीं बैठेगा, उसके लिए जमीन हराम है. तो इसलिए अपने मुर्दों को वो ऊंची कब्रों में डाल के पैक करते हैं, या चील कब्बे को खिला देते हैं, या आग पे जला देते हैं. तो वही आज वही हाल, और वो जिंदगी भर भटकते रहेगा. और आज भी वही पनिशमेंट देखोगे तो बनी इसराइल को भी है, वो भी जिंदगी भर भटक रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से. यही वजह है कि अब क्योंकि इब्राहिम को अल्लाह ने वादा किया था कि तुमको तुम्हारे बच्चे को जमीन दूंगा, इसीलिए कुरान में 17:104 में अल्लाह कह रहा है कि बनी इसराइल को तुमको तुम्हारी जगह लौटाऊंगा. समझ में आ रहा है? समझे? तो अल्लाह का जो एक पनिशमेंट है कि अल्लाह ने जिसको जमीन दी है वो अपनी जमीन में रहे, अपना उसमें जो भी है वहां पे रहे. भटकना जो है वो एक बद्दुआ है अल्लाह की. तो वही बात है. और ये पूरी जो लड़ाई है वो जमीन की है और कुछ नहीं है. तो आज जैसे कि जुडाइज्म रिलीजन बना हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं ना. मूसा अलैहिस्सलाम किसके लिए आए थे? बनी इसराइल के लिए आए थे. और ईसा अलैहिस्सलाम किसके लिए आए थे? बनी इसराइल के लिए आए थे. जिन्होंने ईसा को प्रोसिक्यूशन किया या उनको तकलीफ दी, वही लोग ने धर्म बना लिया. अब उसके बाद भी अगर देखा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने किससे लड़ाई की? पर्शियन से लड़ाई की. अब पर्शियन ने फिर क्या चालू कर दिया? शिया रिलीजन चालू कर दिया अली के नाम. तो ये लोगों को तो हक भी नहीं है ये सब बनाने का, तो वो लोग रिलीजन बना रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो फिर भले से कुरान हो, बाइबल, तौरा हो या इंजील हो, ये सब तो सिर्फ बनी इसराइल और अहले किताब के बारे में लिखा हुआ है. काबिल की औलाद को तो एंटरटेन ही नहीं कर रहा है. अब जो काबिल की औलाद बाइबल को अपना रहा है, या तौरा को अपना रहा है, या कुरान को लेकर के अपने उसके नाम से धर्म चालू कर रहा है, लेकिन उसका उसको उसके लिए कुरान नहीं, ना कुरान है, ना बाइबल है, ना तौरा है, ना गॉस्पल है, उसमें उसके बारे में कुछ भी नहीं है. इसलिए यासीन में क्या लिख दिया गया कि पैगंबर वसल्लम तुम ऐसी कौम के लिए भी भेजे गए जिसके बाप दादा को डराया नहीं गया. अब बाप दादा का उसका मतलब क्या हुआ? हम सब आदम की औलाद है, आदम पैगंबर है, लेकिन उनके बच्चों में से काबिल की जो नस्ल है उनमें से कोई भी पैगंबर नहीं आए, क्योंकि वो काबिल ने मर्डर किया, अपनी बहन के साथ सोया, उसके बच्चे जो है इलिजिमेट है. और हर पैगंबर नोबल बर्थ है, कुरान की आयत है. समझे? तो यही वजह है कि काबिल के नस्ल में कोई भी पैगंबर नहीं आए हुए. और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ गोरे लोग आए, काबिल के औलाद आए, रोम और किसरा वाले, वो बोले हमको भी सिखाओ. तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे बाद जो नबी आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुमको दावत देंगे, मेरा जो मिशन है सिर्फ बनी इसराइल तक है, ये बोल दिया उन्होंने. और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यासीन ने क्या लिख दिया? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ऐसे लोगों के लिए भी भेजे गए हो जिसके बाप दादा को डराया नहीं गया है. अक्सरियत को बात वाजे हो चुकी है, क्योंकि जो लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर, इनको हक पता है, लेकिन वो हक नहीं मानेंगे. अक्सरियत जो है हक को जानते हैं,
उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे लानत की तौग है, सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, उनके जो घमंड से चूर है, और तुम उनको डराओ या मत डराओ सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। तुम उन्हीं को डरा सकते हैं जिसके लिए ये एक रिमाइंडर है। कुरान रिमाइंड किसको कर रहा है? जिसके पास ऑलरेडी किताब आई हुई है उसको रिमाइंड कर रहा है, जिसके पास किताब ही नहीं है कुरान उनके लिए है भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर हिंदुओं के लिए भी नहीं है वो। कौन बोला नहीं है? हिंदू के पास तो किताब है ना, वेद है, शास्त्र है, और पूरा जो इस्लाम या तमिलनाडु से ही शुरू हुआ है, इसलिए चेहरा वेद है। तो वेद है तो इसका क्या सबूत है कि वेद जो है आसमानी है? देखो, इंडिया से ही इस्लाम शुरू हुआ है, और वेद में ही तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी लेके आप लोग बोलते रहते हो कन्वर्ट करने के लिए कि वेद में भी पैगंबर का नाम है। बाइबल में वेद में तो है, लेकिन उसका सबूत नहीं ना कि वो आसमानी किताब है। देखो, आसमानी किताब, देखो सबूत, पहली बात तो देखो, जब आप अपने आप को नस्ल से पहचान करोगे ना, तो आपको पता चल जाए कि मैं किस नस्ल का हूँ। अगर आपको लगता, आप देखो यहाँ का जो कुल देवम कॉन्सेप्ट होता है, कुल देवम में लोग इकट्ठा होते हैं और बकरा काटते हैं, वही चीज मक्का मदीना में भी है। वो जो है कुल देवम, इब्राहिम का कुल देवम है वो। अब इब्राहिम के खानदान वाले जहाँ जाए और बकरा काटे, ये कल्चर तो हिंदुस्तान का ही है ना। अब कुरान में सूरह तौबा में क्या लिखा हुआ है कि पर्शियन के लड़ाई के बाद इनको इस जगह पे घुसने मत दो, साफ लिख दिया। हाँ, तो ये कुल देवम है उनका, और जैसे यहाँ के लोग अपने अपने कुल देवम में जाते हैं, उसी तरह वो भी है गेट टुगेदर। और कुल देवम क्या है? हाउ एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है वो, अपने अपने कबीले का जो तकलीफ है, दुख है, जो भी है वो सोल्यूशन करे। पार्लियामेंट भी है वो, कोर्ट भी है, बैंक भी है, और हर चीज की फैसिलिटी एक एक कुल देवम को मिलती है। तभी जा करके जो खलीफा सिस्टम जिसको कहते हैं, वो कुल देवम से ही कनेक्टेड है पूरा। और यही वजह है कि फिर वो बनी इसराइल जो थे मोर्स, वो हिजाज एरिया से अफ्रीका को राज करते थे, और 800 साल यूरोप पे राज किए। हिजाज जब सेंटर बना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर उनकी कोयल से, बाद में 1400 AD में जब ऑटोमन ने मदीना पे कब्जा किया तो उनकी हुकूमत खत्म हुई, फिर ऑटोमन ने कब्जा करके रखा, फिर उसके बाद सऊदी 1926 में सऊदी ने कब्जा किया। तो ये सब तो कहानी है ही ना। तो एक अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम है, और वो एक शैतान का दिया हुआ सिस्टम है। और जितने भी रिलीजन बने हुए, भले से जुडेज्म, क्रिश्चियनिटी, शिया, सूफी, सुन्नी, वहाबी, ये सब गोरों ने बनाया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करके चले गए। शिया कौन है? ईरानी। ईरानी कौन है? पर्शियन है, जिसको पैगंबर ने खड़ा भी नहीं किया, खत खत भेजा तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। तो अब अगर मूल निवासी अगर हो, तो फिर ये ईरान का धर्म क्यों फॉलो कर रहे हो? इराक का धर्म क्यों फॉलो कर रहे हो? बगदाद का क्यों फॉलो कर रहे हो? सूफीज्म क्यों फॉलो कर रहे हो? वहाबीज्म क्यों फॉलो कर रहे हो? वो तो इस्लामी नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि जैसे मतलब जो जिस जगह का है उस जगह में कोई भी जो धर्म चल रहा है उसी धर्म को मानना पड़ेगा, तब यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखो यहाँ का, देखो पहले बात तो कुरान आप कह रहे हो वहाँ का आदमी, चूंकि ईरान शिया का इलाका है, और तो वहाँ के लोग मतलब यहाँ क्यों है? पहली बात तो देखो, शिया जो है वो पहली बात उनकी भी वो जगह नहीं है। वो काबिल के काबिल जो दज्जाल जो है, हर पैगंबर ने दज्जाल का आने का इत्तला किया है। पहला दज्जाल कौन है? काबिल है। काबिल की औलाद मिडिल ईस्ट में आएगी। तो ये ईरान आर्यन लोग आए कि नहीं आए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आर्यन लोग ईरान में आके बसे कि नहीं बसे? हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं, हिस्ट्री में। हाँ, तो ये जो पूरा इलाका टर्की से लेकर तमिलनाडु के पूरा काले लोगों का है। ईरान जो है एक जमाने में काले लोगों का था, कश्मीर काले लोगों का था। यहाँ पे जो गोरे लोग आए, कब्जा किए, काबिल के औलाद, उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया, यहाँ के काले लोगों को मारा, काटा पीटा, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। समझ में आया? तो ये और इसी के बारे में श्री कृष्णा भी कहा था कि ग्रेटर कलयुगम होगा 5000 साल पहले BC में, और उसके बाद बाइबल में भी जो बनी जो एंटी
क्राइस्ट आएगा और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा, दज्जाल है कौन? काबिल की औलाद को दज्जाल कहा जाता है। और आज वो दज्जाल आएगा किधर आएगा? यूरोप से लेके, यूरोप कुछ से या हिंदुस्तान मतलब मिडिल ईस्ट में आके रुकेगा, जो काले लोग की, तमिल लोग की बस्ती है, पांडियन की बस्ती है, तो उसी के बारे में सबका जिक्र है। तो ये जब आएगा तो ये अपनी मनमानी करेगा। मतलब अगर अगर ये अगर फिलोसफी रहेगी कि भी आखिरत सब कुछ है, दुनिया एक टेम्परेरी है, ये जो क्या है आखिरत कुछ भी नहीं है, दुनिया सब कुछ है, उल्टा हर चीज उल्टा सिखाएगा। मसीहा दज्जाल का जो मतलब है हर चीज उल्टा सिखाएगा। तो हर चीज उल्टा सिखाने वाली कम्युनिटी कौन है आज अपने आप को? वो जो पहले पहले ब्राह्मण था उसका रोल खत्म हुआ, फिर उसके बाद क्रिश्चियन लोग आए उसका रोल खत्म हो गया, क्योंकि किताब जब तक जिंदा है उसको खत्म करने के चक्कर में रहेंगे। अब कुरान जो है आखिरी किताब है, उसको खत्म करने के लिए जो शिया सूफी सुन्नी वहाबी है ये ग्रुप बना करके कुरान को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये कुरान खत्म नहीं होगा ये मुसलमानों की हुकूमत चलती रहेगी, शैतान खलीफा सिस्टम कभी नहीं आएगा। इस्लाम तो खलीफा बेस है ना, इंडिया को साइड में रखो लेकिन मिडिल ईस्ट में तो खलीफा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ समझ रहे हो? हाँ हेलो, देखें खलीफा वो आएगा जब मतलब सारे मतलब एग्री करेंगे सारे लोग जो उसके अंडर जो इसके। पहली बात देखो, काबिल की औलाद में जब पैगंबर नहीं आए तो खलीफा कहां से आएगा? हाँ, और कुरान जो एक रिमाइंडर है, तो इसलिए कुरान में जो जो इशारा दिया हुआ है काबिल की औलाद, फिर उनको नजिस कहा है चैप्टर 9:28 में, पैगंबर मोहम्मद को बोल दिया उनको उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, और बल्कि यूरोप के लिए कहा है कि जो ये जो यहाँ जो यूरोप वाले जो रहेंगे वो दीन के बिलीवर के नजदीक रहेंगे, यानी कि वो यहाँ का सिस्टम अपनाएंगे, योगा मेडिटेशन अपनाएंगे। आज यूरोप में सिंगल करेंसी है क्या? मिडिल ईस्ट में सिंगल, आज अगर बोलेंगे बैलेंस की बात करते हो, कुरान में बैलेंस है, मिजान है, मिजान है, मिजान कैसे सेट करोगे? कुवैत का कुछ करेंसी, दुबई का कुछ करेंसी, पाकिस्तान का कुछ करेंसी, सऊदी का कुछ करेंसी, तो ये क्या बैलेंस? माफिया लोगों के लिए है ये पूरा। यूरोप में भी पहले खिलाफत आएगा तो पहले सुनिए सुनिए, पहले माफिया जो था, माफिया यूरोप में भी था, लेकिन जब पब्लिक पढ़ लिख ली उसने क्या किया, सब सिंगल करेंसी कर दिया। पूरा यूरोप में आज एक सिंगल करेंसी है कि नहीं है? आज कोई पैसे के पीछे भागता ही नहीं है, अपने अपने फ्रांस वाला फ्रांस में रह रहा है, जर्मनी वाला जर्मनी में रह रहा है, माफिया खत्म हो गई। अब पूरा अंडरवर्ल्ड जो मुसलमान जो है, मुसलमान दुनिया जो है, आज कुवैत का 115-20 रुपया करेंसी है आज पैसे के लिए, यहाँ यहाँ से लोग जा रहे हैं, उनकी बीवी यहाँ से किसी और से बच्चा पैदा कर रही है, तो ये सब सिस्टम कौन खराब कर रहा है? ये सब इस्लामिक थोड़ी है। इब्राहिम ने भी हिजरत की, काम पे गए तो अपनी बीवी को लेके गए, तो ये सिस्टम को खराब कौन कर रहा है? नहीं चूंकि वहाँ सहूलत नहीं है लेके जाने के लिए, फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो यहीं छोड़ के जाते हैं। नहीं वो बात नहीं है, अगर हम ले करके जाएंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इंसान की जिंदगी में तकलीफ दर्द और परेशानी आ गया, लोग सुकून सही रहेगा तो फिर नहीं नहीं मुझे ये बताओ सिंगल करेंसी कौन ला के देगा? मुझे ये बताओ सिंगल खिलाफत की बात जो आप कर रहे हैं, एक मिनट, खिलाफत कब आएगा? खिलाफत की बात अभी साइड में रखो, पहला सिंगल करेंसी तो इस्लाम, अगर मुसलमान कंट्री अपने आप को मुसलमान मुसलमान कहते हैं, सिर्फ बुल्ली कटा के मुसलमान बोल देते हैं तो, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान कंट्री है, इस्लामिक नहीं है, समझिए आप। देखिए इस्लाम में एक दो चीज है, मतलब क्या है मुसलमान क्या है और इस्लाम क्या है? अरे सीधा सीधा बोलो ना, ईरान वाले काबिल की औलाद है, सऊदी भी काबिल की औलाद है, टर्की भी काबिल की औलाद है, काबिल की औलाद को मुसलमान क्यों बोल रहे भाई? नहीं देखिए मुसलमान और इस्लाम को समझिए पहले आप। देखिए दो चीज है, खुदा का जो मुझे जो लोग कुरान को अगर नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, तो उसको मुनाफिक कहो ना, मुसलमान क्यों कहते हो? नहीं कुरान को तो मान तो रहे हैं, कुरान तो दिया है ना, ये क्या बोलते हैं एक ये क्या बोलते हैं एक थोड़ी सी ये ऑप्शन रखा हुआ है कि आप जब अपने एरिया में रहो तो अब कोई इस्लामिक देखो बेकार की बात बोल रहे हो, क्योंकि देखो देखो पहले चलो इंडिया को छोड़ो, इंडिया तो कम से कम सुकून से आदमी यहाँ पे जी रहा है, एक सब जी रहा है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर फिर तुम्हारा जो जितने भी मुस्लिम कंट्री उठा के देख लो, मुस्लिम कंट्री कितने हैं, कितने मुस्लिम कंट्री होगा?
52 में भी एक में भी बैलेंस नहीं है, मिजान नहीं है, तो कैसा है मिजान? देखिए मिजान, देखिए मिजान आप उस कंट्री मिजान सेट कौन करेगा? आप पहले मेरी बात तो सुन ले पहले। देखिए यहाँ होता है क्या है ना कि ये जो कैपिटलिज्म जो कर दिया है यूएसए ने या बड़े चौधराहट करते यूरोप वाले, तो वो जमने नहीं देता है किसी को, समझ रहे बात को? आप इस्लाम की बात करें, मिस्र में आया था वो मोहम्मद मुर्सी ने इनकलाब लेकर के उनको मार के गिरा दिया, तो वही बात है कि आप टिकने ही नहीं देगा आपको ये। तो सऊदी देखो अमेरिका को क्यों बदनाम कर रहे हो? सऊदी ने ही डॉलर को मजबूत किया है। अगर सऊदी वाला बोल दे कि भाई मैं अमेरिका के डॉलर से मैं काम नहीं करूंगा, मैं दूसरे सिस्टम से काम करूंगा, डॉलर को तो उसी ने मजबूत किया है ना, तो अमेरिका को क्यों बदनाम करते हो? वो तो देखिए सर, देखिए मेरी बात सुनिए, आप असल में समझ नहीं पा रहे। असल में यहाँ जो पूरा सिनेरियो जो बना है ना, देखिये सिनेरियो जो है पूरा, इसमें है क्या है कि कैपिटलिज्म यानी कि जो आजकल जो दुनिया में जो हुकूमत चल रही, पहली बात है डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म, ये तो अमेरिका यूरोप का थुका हुआ है जो सारी दुनिया चाटती है, मतलब कि ऐसे चलना है वैसे चलना है। नहीं नहीं वो अमेरिका का सिस्टम है, सब यहीं से निकला हुआ है, समझ में? नहीं नहीं यूरोप का है ये। डॉलर को मजबूत तेल ने किया ना, हाँ या ना? नहीं मुझे, मैं कोई इकोनॉमी का ये एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं मुंह नहीं खोल सकता। हो सकता है नहीं मालूम है, जब नहीं मालूम है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी देखो 1971 में पैदा हुई है, और उसके पहले जब ये लोग ने तेल उल बनाना शुरू, तेल जब मिला इनको 1936 में, उसके बाद इन्होंने अमेरिका सीधा सबको बोल दिया पूरी दुनिया को कि हम तेल बेचेंगे सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। अब सब मजबूरन जितने लोग थे डॉलर से एक्सचेंज करने लगे, समझे? तो जब डॉलर को मजबूत किया तो पूरी दुनिया में अमेरिका मजबूत होता गया कि नहीं हो गया? आज पूरी अमेरिका में वही क्योंकि दुनिया में अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सबसे मतलब आगे है। आगे क्यों है? मुझे पहले समझो ना, पहले बात समझो, तेल किसके पास है? तेल है गल्फ के पास, अरब के पास है। अब पूरे गल्फ वाले अमेरिका के डॉलर से ही बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्या वो रियाल से नहीं कर सकते, दिनार से नहीं कर सकते, इंटरनेशनल करेंसी खुद की करेंसी को नहीं बना सकते? नहीं देखिए आप बात सुनिए, देखिए अभी अमेरिका की करेंसी को बनाने का वजह क्या था? पहली बात देखिए, पूरी बात सुनो, जितने भी गल्फ कंट्री है ये खुद लुटेरे हैं, ये खुद भगोड़े भाग के आए हुए हैं, उनका वो देश नहीं है ये किसी और के देश पे बैठ के उसकी रिसोर्सेस को चूस रहे हैं। अब सऊदी जो था वो 1926 में 800,000 काले लोगों को मार के कब्जा किया है जगह पे, अब उसको मजबूरन अमरीका के लिए चाहिए ही चाहिए था, और गद्दारी उसने ओटोमान से किया था। सऊदी ने गद्दारी की कि नहीं की ओटोमान अम्पायर से महायुद्ध के टाइम पे? तो उसको तो एक चौकीदार चाहिए ही था, उसने अमेरिका को पाल के रखा हुआ है। हाँ खुद की गलती है उसकी, उसने पहली बात तो हिजाज पे कब्जा किया 1926 में, गद्दारी की ओटोमान के अम्पायर से ब्रिटिश को हेल्प करके, ये सब इतिहास है कि नहीं है? तो वो है, 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 है। तो फिर एक गद्दार क्या करेगा? वो तो अपने आप को बचाने के लिए ये अमेरिका को मजबूत किया ही ना। ईरान को आप उसको देखिए, आप जो है आपको ज्वाइन करता हूँ बाद में, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हाँ मैं करता हूँ ज्वाइन। ठीक है ठीक है वेलकम, थैंक यू।